हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट्स मैथ। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बीजीय व्यंजक और सर्वसमिकाएं। आज हम उसमें करेंगे अभ्यास 9.2। लास्ट क्लास में हमने सीखा था गुणन के बारे में। गुणन के बारे में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जैसे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं, इनका आपस में हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड का आपस में क्या करेंगे? गुणन करेंगे। फिर उसके बाद इनका गुणनफल जो आएगा, फर्स्ट और सेकंड का जो क्या आएगा, हमारा गुणनफल आएगा, ठीक है ना? फिर उसकी हम क्या करेंगे, उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले से। और फिर ऐसे ही हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर फोर्थ आया पार्ट, तो फोर्थ की भी ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है? और अगर कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, तो कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट के साथ करते हैं और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स है हमारे पास, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? एक पदी और द्विपदी के अकॉर्डिंग टेबुलर रूप में है ये। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये चार क्वेश्चन आज हम यहाँ पर सीखेंगे। पर इन चार क्वेश्चन में क्या है हमारे, उनके पार्ट्स हैं, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ आयत। ये है हमारा एक आयत, ठीक है? तो आयत क्या है, ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है ब्रेथ। तो लेंथ को हम क्या कहते हैं, लेंथ को हम कहते हैं लंबाई, और ब्रेथ को हम क्या कहते हैं, ब्रेथ को हम कहते हैं चौड़ाई। अब देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये जो इसका एरिया है, ये हमारा क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। और दूसरी बात, मैंने आपको ये समझाई थी एरिया में, कि किसी भी चीज़ का अगर एरिया हम निकालते हैं, तो हमारा या तो निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, या हमारा निकलता है मीटर स्क्वायर में। इस टाइप से वो हमारा एरिया निकलता है, यानी कि वर्ग इकाई में हमारा निकलता है। अब देखो, पहला दे रखा है पीयर क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में लेंथ तो जो है वो है हमारी पी, और जो हमारी ब्रेथ है वो है हमारी क्यू। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो लंबाई की जगह रखेंगे पी और चौड़ाई की जगह रखेंगे क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा पी क्यू वर्ग इकाई। क्यों? क्योंकि ये पी इंटू क्यू है, तो पी क्यू हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर हमेशा स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, तो इसलिए हम इसे कह देंगे, यहाँ पर कोई हमें इकाई नहीं दी हुई, इसलिए हम कह देंगे वर्ग इकाई। ओके, अब देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या, आयत का क्षेत्रफल, फिर क्या है, टेन एम और 5n। क्या दे रखा है, टेन एम, और यहाँ दे रखा है 5n। ये क्या है, लेंथ, और ये है ब्रेथ। तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करनी है, टेन इंटू 5 ही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? फिर ये क्या हो जाएगा, m इंटू n हमारा हो जाएगा। टेन की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 50। m की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा mn, ठीक है? तो हमारा आंसर हो गया 50 mn, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। फिर से वही इकाई लिखी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पे हमें ये बता रखा कि सेंटीमीटर है, मीटर है, या फिर हमारा क्या है। अब देखिए इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, वो ये लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे इसकी लेंथ है 20x², और ब्रेथ हमारी क्या है, ब्रेथ हमारी दे रखी है 5y². फिर से वही करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ के नीचे लिखेंगे लेंथ यानी कि लंबाई 20x², और ब्रेथ के नीचे के लिखेंगे ब्रेथ यानी कि 5y². अब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करनी है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 5, ठीक है? और यहाँ क्या हो जाएगा, x², और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ y². अब 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर x² की y² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² और y². ओके, तो ये हो जाएगा 100x² वर्ग इकाई। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर से वही है। तो अब देखो यहाँ पे लेंथ क्या दे रखी है, इस बार हमें लेंथ दी हुई है 4x, और ब्रेथ हमें क्या दी हुई है, 3x². फिर से वही करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ के नीचे लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई ब्रेथ के नीचे लिखेंगे 3x². अब कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट के साथ रखो, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई हम वेरिएबल के साथ करेंगे। तो अब देखो 4 की 3 से करो, 4 3 12, 1² यहाँ पे, 1 1 यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा x³, तो हो जाएगा 20x³ वर्ग इकाई। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। ये फिर से वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लेंथ हमारी क्या दी रखी है,
3mn और ब्रेथ हमारी क्या दे रखी है 4nt। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो होता है लेंथ की जगह लिखेंगे 3mn और बी की जगह क्या लिखेंगे हम 4np। तो देखो 3 × 4 की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ जाओ ये हो जाएगा mn और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई एनपी। अब 3 × 4 से कितने होते हैं 12 होते हैं और mn ऐसे ही आ जाएगा mn और यहाँ हो जाएगा n। n कितनी बार है, n दो बार है हमारा, दो बार है ना, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा p। तो 12 mn² p ये वर्ग इकाई हमारा इसका फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट की बात करें अगर, गुणनफल की सारणी को पूरा कीजिए। अभी में से क्या करना है, इसको पूरा हमें करना है। 2x 5y 3x² - 4xy 7x² y और 9x² y². अब ये तो एक पद ही है, यहाँ पे दे रखा है 2x - 5y, यहाँ भी दे रखा है 3x², ये भी सेम वही नंबर दे रखे हैं यहाँ पर भी हमें। अब देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4x² आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4x² आ गया हमारा। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 5 × 2 = 10 10xy हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 × 2 = 6 और x² और x क्या हो जाएगा हमारा, x³ हमारा हो जाएगा, हो गया x³। अब -4xy है, 4xy की 2 से करेंगे तो 4 × 2 = 8 8x² y हो जाएगा। फिर 7x² y है हमारा, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 × 2 = 14 और x² की x से करेंगे तो x³ और y का y ऐसे आ जाएगा। फिर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 9 × 2 = 18 और ये होगा माइनस का, x² की x से करेंगे तो हो जाएगा x³ और y² ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो अब बात करते हैं -5y की। अब क्या आएगा यहाँ पे, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10 10 हो गया, ये हो जाएगा xy -xy। फिर 5 × 5 = 25 25 और ये हो जाएगा y², क्योंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारे क्या हो गए, प्लस हो गए। अब यहाँ चेक करो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 × 5 = 15 x² और यहाँ आ जाएगा y। फिर ऐसे ही हम करेंगे 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 × 5 = 20 20 xy² फिर 7 की करेंगे, 7 × 5 = 35 x² y² फिर आ जाएगा 9 × 5 = 45 45 x² y³। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ हो जाएगा 2 × 3 = 6 6x³ फिर 5 × 3 = 15 आ जाएगा, फिर 3 × 3 = 9 9x³ हो जाएगा, ये सेम वेरिएबल था। फिर 4 × 3 = 12 और x³ y हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये हो जाएगा और ऐसे ही ये हो जाएगा। अब ऐसे ही सबकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, 2 की फिर से वही 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 = 8 तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस। फिर देखो 5 × 4 = 20 फिर आ जाएगा 3 × 4 = 12 फिर आ जाएगा 4 × 4 = 16 ऐसे ही करते करते ये सारी मल्टीप्लाई हम इनको सॉल्व कर लेंगे कि एक की मल्टीप्लाई एक के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे हमें करना है। अब देखो जैसे अगर हम बात करें ये वाले की, तो अगर हमें -9x² y² इनकी मल्टीप्लाई करनी है -9x² y² से, तो कैसे करेंगे, -9 × -9 ठीक है, ये तो हम एक साथ ले लेंगे। अब बाकी के देखो क्या है, x² y² × x² y² जब ये माइनस आपने यहाँ ले लिया तो आपको यहाँ दोबारा माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो 9 9 से कितने होते हैं 81 और माइनस माइनस होते हैं प्लस। अब देखो x² की x² से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ y² की y² से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y³। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में क्या है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश दी हुई है। आयताकार बक्से किस तरीके के होंगे, देखो ऐसे बनेंगे। यहाँ पर आयताकार बक्से का मतलब है घनाभ से, किससे मतलब है आयताकार बक्से का, घनाभ से, क्योंकि घनाभ हमारा आयताकार होता है और जो हमारा घन होता है वो हमारा वर्गाकार होता है। तो इस तरीके से हमने बना दिया आयताकार ये बॉक्सेस। अभी हमने बॉक्सेस बनाए यानी कि बेसिकली हम इसे कह सकते हैं घनाभ, क्या कह सकते हैं घनाभ। अब हमें इनका निकालना है आयतन, तो वही ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी लेंथ, ये हमारी हो जाएगी, ये जो है हमारी हो जाएगी ब्रेथ और ये हमारी हो जाएगी हाइट, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे जो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो उसमें निकलता है आंसर, इसमें निकलता है घन इकाई में, किसमें निकलता है घन इकाई में, क्यों, क्योंकि ये 3D है, 3D है, तीन चीजें हैं इसमें, तो इसमें घन इकाई में आंसर निकलेगा, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, इस तरीके से।
अब देखो 5a 3a स्क्वायर 7a की 4। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमें दे रखा है, इनकी वैल्यू रख देंगे। फिर वही करेंगे, कॉन्स्टेंट एक साथ लेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 7, ए ए स्क्वायर ए की 4। तो देखो 5 3 15, 15 7 कितने होते हैं 105। अब 4 और 2 6 और 1 7, तो ए की पावर 7 घन इकाई हमारा हो गया। फिर हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई के नीचे हम लिखेंगे 2p, चौड़ाई के नीचे 4q, ऊंचाई के नीचे 8r। तो 2 4 8 8 8 64, तो वही 2 × 4 × 8 एक साथ लेंगे, पी क्यू आर एक साथ लेंगे, 2 4 8 8 8 64, अरे हो जाएगा पी क्यू आर। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखो आयताकार बक्से का आयतन दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हमें दे रखा है एक्स वाई मल्टीप्लाय 2x² y, फिर क्या दे रखा है मल्टीप्लाय 2xy². अब देखो यह क्या दे रखा है, एक्स वाई 2x² y 2xy². तो हम क्या करेंगे, 2 2 एक साथ लेंगे 2 और 2, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, क्योंकि ये जो इसका मल्टीप्लाई वो 1 में मल्टीप्लाई में माना जाएगा। अब देखो xy x² y, फिर हम बोल सकते हैं xy² तो अब देखो 2 2 4 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करना है हमें x की मल्टीप्लाई x² से और इस वाले x से, तो x कितने हो जाएंगे, x की पावर हो जाएगी 3, y 1 2, और y भी हमारे कितने हो जाएंगे, y भी हमारे हो जाएंगे 3। एक सेकेंड, x² और ये है y² नहीं, y हमारे हो जाएंगे 2y 13 4, y भी हमारे हो जाएंगे 4 और x भी हमारे हो जाएंगे 4, तो हमारा आंसर आएगा 4x की 4 और y की 4 घन इकाई। अब आयताकार बक्स का आयतन कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर से वही आ गया। अब देखो a इंटू 2b इंटू 3c, तो 1 × 2 × 3 करेंगे, 3 2 6 6 आ गया हमारा। अब ए बी सी का एबीसी आ जाएगा, तो 6abc घन इकाई हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, कितने पार्ट है इसमें, फिफ्थ ही क्वेश्चन है और 5 ही इसके पार्ट है। देखो करो गुणनफल xy yz zx xy yz zx, तो xx वाली एक साथ लिखो, xx yy zz, तो x² हो जाएगा ये हमारा, ये y² हो जाएगा, ये z² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, a माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए की 3, फिर ए की 3, तो देखो a माइनस ए स्क्वायर ए की 3, तो माइनस हम अलग ले लेते हैं बाहर बिल्कुल, इसे ले लेंगे -1। अब देखो a का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a की ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर 3 और 2 5 और 1 6, बल्कि अगर a की पावर -6 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर a की पावर 6 यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ क्या ही है, तो फिर से वही करेंगे, 2 की 4 की 8 की और 16 की मल्टीप्लाई एक साथ, 2 4 8 8 8 16 16 की 64 64 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104। 64 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16 4 64 का 4 कैरी 6 आ गए, 16 6 96 96, और मैं 6 प्लस करेंगे तो 102, तो 1024 ये आ गया। और y देखो कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6 6, यहाँ पर y है। अब यहाँ देखो a इंटू 2b इंटू 3c और 6abc, फिर वही करेंगे 1 × 2 × 3 × 6, तो 2 1 2 2 3 6 6 6 36, ये आ गया। अब a और a दो बार है तो a स्क्वायर हो गया, b और b दो बार है तो b स्क्वायर हो गया, c और c दो बार है तो c स्क्वायर हो गया। तो अब देखो m इंटू mn इंटू mnp, अब बताया था फिर से वही माइनस एक साथ ले लेते हैं, माइनस वन अलग ले लेते हैं, तो m की m में mm एक साथ लिख लिए, nn एक साथ और pp एक साथ, m कितने हैं 3, तो m की 3, n स्क्वायर और p, और माइनस वन यहाँ पर आ ही जाएगा ये हमारा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि एक तो हमने सीखा कि जब हम किसका आयतन निकालते हैं, यानी कि घन का या फिर घनाभ का, घनाभ का आयतन हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये जो आंसर निकलता है वो निकलता है घन इकाई में, किस में निकलता है, घन इकाई में हमारा निकलता है। अब देखो अगर हम बात करें आयत की, तो खाली आयत अगर हमें दे रखा है तो ये हमारा होता है 2D फिगर, 2D फिगर इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हमारा निकलता है वर्ग में, वर्ग इकाई में, है ना। अब यहाँ देखो और हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई टेबल हमें दी हुई है, जैसे यहाँ देखो यहाँ टेबल दी हुई थी, ये था 3x, ये था 2y, फिर ये था 2y और ये था 7z,
तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 2 से करेंगे, 3 2 6 और ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर यहाँ देखो ये हमने सीखा था 2 2 4 और वाई की वाई से करेंगे तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर 7 2 14 और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई जेड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन यहाँ पर सारे सॉल्व किए अपने चारों के चारों पार्ट और उनके सब पार्ट भी हमने यहाँ सॉल्व किए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।